हाय गाइस नमस्कार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो यार आ चुके हैं एक आज न्यू लोकेशन पे और एक न्यू वीडियो के साथ। ये वीडियो यार थोड़ा लेट हो गया कि थोड़ा बिजी हो गए थे शादी वगैरह में। तो सो आई होप आप सब बढ़िया हो गए। तो वीडियो को देखो। और आज नारीजुबर लेक पहुँचा हूँ, तो यहाँ पे आज शूट कर रहा हूँ वीडियो। तो यहाँ की लोकेशन और यहाँ का व्यू आप को दिखाते हैं। सो बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं। जो ये लेक है तानीजुब्बर, जो लेक है वो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। तो अभी मैं फिलहाल बस से आया हूँ, तो फिर यहाँ से थोड़ा सा पैदल आने के लिए ज़्यादा दूर नहीं है, आई थिंक 2 मिनट का रास्ता है। तो चलो पहुंचने वाला हूँ, आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू और यहाँ का लोकेशन और यहाँ की लेक। सो देख सकते हो आप, एकदम बेस्ट लग रहा है। तो अभी पहुंच गए हैं तानीजुब्बर लेक। तो आप देख लो भाई यहाँ का व्यू और इस लेक को। अभी देख सकते हैं आप यहाँ की खूबसूरती और यहाँ का व्यू, यहाँ का लेक, तो एकदम बेस्ट लग रहा है। तो यहाँ की ऐसी लोकेशन, ऐसी खूबसूरती, तो हम एक पहाड़ी ट्रेडिशनल जो ड्रेस रहता है उसको ना पहने तो ऐसा हो सकता है। सो ऐसी देखो जो ये आप लेक देख रहे हैं, तो ये कोटगढ़ एरिया में आती है। तो इसका जो पानी है ना एकदम मतलब नेचुरल रहता है। तो जैसे मतलब कि ना कभी कम होगा ना कभी ज़्यादा होगा, मतलब जितना है उतना ही, जहाँ तक मैंने देखा है 1-2 सालों से, तो ये मतलब सेम वैसा ही है। ये सामने मंदिर है। तो यहाँ का मंदिर देख लो आप सामने, लेक के साथ ही मंदिर भी है। और ये जो घर देख रहे हैं छोटा सा, आई थिंक ऊपर तो ये होटल है, होम स्टे है। तो जो ये सामने ये घर, आई थिंक घर ही होगा क्योंकि जिस हिसाब से लग रहा है, मुझे लगता है ये घर ही है। तो इतनी ब्यूटीफुल प्लेस पे ऐसा घर भी सामने हो तो यार क्या ही नज़ारा है, देख लो आप भाई। और सामने इतनी खूबसूरत लेक, इतना अच्छा व्यू। तो जब बर्फ़ पड़ेगी ना तो एकदम पूरा ये लेक पूरा का पूरा जम जाएगा, एकदम पूरा, जिसको बोलते पूरा वो हो जाएगा, आइस हो जाएगा एकदम। ज़रूर बताएं मुझे कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा और यहाँ का व्यू कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे न्यू न्यू यूनिक ब्लॉग आते रहेंगे, न्यू न्यू लोकेशन आपको देखने को मिलती रहेगी। यार टोपी तो बड़ी सेक्सी लग रही है, बड़ी है ना। यहाँ सामने एक कैफे बता रहा है 900 मीटर, ये तेज कैफे। So अगर आप लोग भी कभी घूमने आते हो, तानीजुब्बर लेक देखने आते हो, तो आप ज़रूर आ सकते हैं, कैफे ज़रूर आ सकते हैं। मैं आई थिंक 2020 दिसंबर को आया था उस कैफ़े में पहले, तो मुझे तो पता है कि कितना दूर है, कहाँ पे है। सो अगर आप लोग आते हो कभी तानीजुब्बर घूमने आते हो, तो ऑब्वियसली आप उस कैफे आ सकते हो। तो वो
900 मीटर दूरी पे है थंजावुर लेक से, तो एकदम सीधा रास्ता ही है, ज़्यादा इधर उधर वाला रास्ता नहीं है, एकदम सीधा रास्ता है। तो चलते हैं अभी कैफे, तो देखते हैं वहाँ का व्यू भी, वहाँ का भी दिखाते हैं आपको नज़ारा। सो बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं। गांव का एरिया है, तो बीच में सामने कैफे, यहाँ से मुझे दिख रहा है, तो इस लाल वाले छत वाले घर के पीछे तो दिख रहा ना ग्रीन ग्रीन कलर के टेंट जैसे, तो यही कैफे है। तो फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ, सो लेट्स सी, फाइनली हम पहुँच चुके हैं अभी कैफे। तो यार बाहर का व्यू तो एकदम बेस्ट लग रहा है, तो अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। तो देख लीजिए आप पार का कैफे, तो अभी फाइनली पहुंच चुके हैं कैफे, तो चलते हैं अंदर देखते हैं। सो देख सकते हैं आप अंदर कैफे का, अंदर का व्यू तो एकदम देख लो भाई, बैठने का सिस्टम एकदम मतलब घर के जैसा बैठने का सिस्टम है, एकदम यूनिक सिस्टम है कैफे में। बॉम मार ली, फाइनली अभी देख सकते हैं आप कैफे में, जो अपने कैफे ऑनर है। सो पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा भैया। तो मेरा नाम है अविनाश श्याम। अच्छा, तो जैसे आपके कैफे है वो ट्रैकिंग देते हैं और नाइट स्टे भी आप देते ही होंगे, तो सो आप बता देंगे कि ट्रैकिंग ट्रुकिंग पे कहाँ आप गेस्ट को सजेस्ट करते हैं? देखिए हमारे पास तो वन डे से लेके 7, 8, 9 ये तक के ट्रैक। हाँ जी, वन डे में तो हम हार्ड टू पीक हो गया, 2-3 डेज के लिए मुराल है, फिर चंदन नाहन, पिन बाबा, रुपिन और लंखा गा जो अभी हमने रिसेंटली किया था, तो इस तरह के ट्रैक्स हैं जो हम लोग। ट्रैक्स के लिए हम पूरी टीम लेके जाते हैं, हमारे पास क्वालिफाइड माउंटेनियर्स हैं जिन्होंने MOI करके रखा है, निम हो गए HMI से, और मैंने खुद निमास से MOI किया है। और टीम में हम लेके जाते हैं, हमारे साथ पोर्टर्स होते हैं, कुक होते हैं, मेडिकल टीम होती है, स्टे के लिए हम टेंट देते हैं, स्लीपिंग बैग देते हैं, फूड में हम टेस्ट में शायद ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हेल्दी फूड आपको पूरा मिलेगा। ओके, सो आप यहाँ पे नाइट स्टे क्या टेंट देते हैं? और जो ये हमारी ये फिक्स परमानेंट कैंप साइट है, यहाँ पर हम टेंट में स्टे देते हैं। अच्छा, तो जैसे कोई अगर बाहर से कभी भी कोई गेस्ट वगैरह घूमने आता है, तो तानेजुबर लेक देखने आता है, तो यहाँ पे नाइट स्टे कर सकता ना? ओके, सो तो क्या हम वो टेंट को देख सकते हैं? जरूर। ओके, सो देखिए चलते हैं। देख लो भाई, एकदम बेस्ट फील है यहाँ पे आके ना, मतलब कि मैं भी पूरे दिन भर घूम घूम के यहाँ पहुँचा, तो मेरा एकदम मूड एकदम ऐसे बेस्ट हो गया, एकदम बेस्ट फील आ रहा है यहाँ पे। देखो और सामने व्यू भी देख लो, बेस्ट। सो अगर आप कभी भी घूमने आते हो, थंजावुर लेक देखने आते हो, तो यहाँ पे ज़रूर आए, और यहाँ का व्यू और यहाँ का लोकल कल्चर और यहाँ का एकदम विलेजेस फील लेके जाए। देख लीजिए टेंट, अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं तो देख लो भाई, एकदम बेस्ट फील है। अच्छा है, इनके पास 3 टेंट अवेलेबल है और तीनों टेंट का वॉशरूम सेपरेट रहेगा, ऐसे ये नाइट नूट के लिए एकदम सेफ है ना भैया, है ना? तो ऐसे कोई इशू नहीं है, नाइट नूट स्टे करने के लिए एकदम बेस्ट है। थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जाके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो, और नेक्स्ट टाइम मैं कैसा ब्लॉग आपको बना के दूँ, तो आप अपनी राय मुझे ज़रूर दें। सो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म कर लेते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और एक नेक्स्ट बेस्ट लोकेशन पे मिलते हैं, तो चलो बाय बाय। फाइनली गाइस अभी पहुंच चुके हैं वापस, तो अब
वीडियो करते हैं फटाफट एडिट, तो करते हैं आप लोगों के साथ शेयर। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, बेल आइकन क्लिक करें ऑन, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो बाय बाय।